हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि ब्रिक वर्क का लेआउट आप कैसे करेंगे साइट पे। होता यह है कि फ्रेम स्ट्रक्चर जल्दी जल्दी बना दिया जाता है, कॉलम स्लैब कास्ट करके ऊपर भागते जाते हैं, लेकिन जब यह कंप्लीट हो जाता है स्ट्रक्चर का काम, तो उसके बाद हम लोग को करना पड़ता है ब्रिक वर्क। ठीक है, तो ब्रिक वर्क करने से पहले सबसे पहला प्रोसीजर जो होना चाहिए आपके दिमाग में, ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि उस साइट को एकदम क्लीन कर देना है। ठीक है, जिस साइट पे आपको ब्रिक वर्क करना है, जिसे कॉलम टू कॉलम ब्रिक वर्क करना है, तो उसके सामने एकदम क्लीनिंग कर लेनी है आपको। जैसे कि होता यह है, जब हम लोग फ्रेम स्ट्रक्चर करते हैं, कॉलम कास्ट करते हैं, स्लैब कास्ट करते हैं, तो कॉलम के कोपला वगैरह में से कंक्रीट नीचे स्लरी गिरती है। ठीक है, और जब स्लरी गिरेगा तो वो सब स्लैब पे चिपका रहेगा, तो उसको बढ़िया से छैनी से क्लीन कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद उसको झाड़ू वगैरह से बढ़िया से साफ कर लेना है, जो भी आपके पास सुविधा है उससे बढ़िया से उसको साफ कर लेना है। कहीं भी कंक्रीट लगी नहीं होनी चाहिए, जैसा कि देख सकते हैं पूरा छैनी से क्लीन किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद जब ये पूरी क्लीनिंग हो जाएगी, हाँ तो जब ये पूरी क्लीनिंग हो जाएगी चारों तरफ से, कहीं भी मतलब कुछ भी डस्ट वगैरह ना रहे, तो उसके बाद आपको पानी मार लेना है। ठीक है, बढ़िया से उसको पानी मार के धुल देना है उस एरिया को। कहीं भी अगर डस्ट हो भी तो वो पानी से साफ़ हो जाएगा, कुछ तो आपने झाड़ू से साफ़ कर लिया, जैसे भी करके साफ़ कर लिया प्लाई वगैरह से। उसके बाद जब पानी मारेंगे तो पूरा मतलब कुछ भी डस्ट उस पर नहीं रहेगा। ठीक है, पूरा क्लीन हो जाएगा। जब ये क्लीन हो जाएगा तो इसके बाद की प्रोसीजर है। ठीक है, अभी ब्रिक वर्क का शुरू हुआ ही नहीं है लेआउट, अभी जो हो रहा है बस प्रोसीजर की बात कर रहे हैं हम। इसके बाद का जो प्रोसीजर है, हैकिंग करना, कॉलम को बढ़िया से हैकिंग कर लेना है। ठीक है, बढ़िया से छैनी से हैकिंग कर लेना है, थोड़ा लगभग हाफ इंची का गड्ढा हो जाए, हाफ इंची का लगभग 10-12 mm का गड्ढा हो जाए। जब मोर्टार इस पर लगाएंगे तो बढ़िया से मोर्टार और ब्रिक के बीच का गैप जो बॉन्डिंग है हो जाए, इसलिए हमको हैकिंग करना होता है। लोग क्या करते हैं, हैकिंग बस प्लास्टर के समय कर लेते हैं और ब्रिक वर्क के टाइम में नहीं करते हैं। भाई, ब्रिक में भी बॉन्डिंग की आवश्यकता होती है, तो ब्रिक में भी आपको हैकिंग करना है, ब्रिक वर्क में भी। और जब हैकिंग कर लेंगे तो उसके बाद का प्रोसीजर जो प्लास्टर में यूज काम करते हैं, वही ब्रिक में भी करना है। इसके बाद आपको बढ़िया से एक खोला तैयार करना है। ठीक है, सीमेंट स्लरी तैयार करना, और जो ईंट रखी है साइड पे उसको पूरा भीगा होना चाहिए। इस तरह से जो मग्गे से भिगा रहा है ये बढ़िया मेथड नहीं है, बढ़िया से पाइप से पानी, जो सप्लाई का पानी है उससे पूरा बढ़िया से भिगाना है उसको। ठीक है, एकदम बढ़िया से तरी कर देना है। इसके बाद इस तरह से आपको घोला तैयार कर लेना है। कहीं भी अगर थोड़ा सा काम है तो थोड़ा बहुत घोला बना लीजिए, ज़्यादा काम है तो बाल्टी में बना लीजिए। उसके बाद जिस एरिया में, जिस कॉलम पर आपने हैकिंग किया, उस पर इस तरह से स्लरी अप्लाई कर दीजिए। देख सकते हैं दोनों साइड स्लरी अप्लाई कर दिया गया। अब इसके बाद आपको एक डायमेंशन दे दी जाएगी कि कॉलम के फेस से किस कितने डिस्टेंस पर आपका ब्रिक वर्क का इनर फेस होना चाहिए या फिर आउटर फेस होना चाहिए। तो यहाँ पे 270 mm पे हमको दिया गया है इनर फेस। ठीक है, कॉलम के इनर फेस से ब्रिक वर्क का इनर फेस 270 दिया गया, तो वहाँ पे एक ईंट रख के इस तरह से फिक्स कर दिया गया। अब दूसरी साइड भी सेम यही प्रोसीजर होगा, मसाला नीचे में दे के उसके ऊपर ईंट रख के और सूता बांध लेना होगा। जैसा कि देख सकते हैं मिस्त्री यहाँ पर मसाला को लगा रहा है, मोटर लगा रहा है, और इसके बाद ईंट को रख दिया। ठीक है, अब क्या करेगा, लाइन डोरी को बांधेगा। अब देख सकते हैं लाइन डोरी को बांध दिया गया। अब लाइन डोरी से होगा क्या, जो बीच में जितनी भी ब्रिक हम लोग लगाएंगे वो एकदम एग्जैक्ट ओरिएंटेशन में आएगा। देख सकते हैं इस तरह से इसको बांधा जा रहा है। लाइन डोरी भी बांधना थोड़ा कई लोग को नहीं आता, इस तरह से बांधा जाएगा और उसके ऊपर एक ईंट इस तरह से रख दी जाएगी, ताकि वो पूरे इसके प्रेशर से, ईंट के प्रेशर से वो जो धागा है ढीला ना हो, धागा बिल्कुल टाइट होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद मोटर लगाते रहना है और ईंट रखते रहना है, और देखना ये होगा कि जो दो ईंट है उनके बीच में जो गैप है 10-10 mm का छूटे, ताकि उसके अंदर भी मसाले को फील किया जा सके। ठीक है, और बढ़िया से उसको लाइन डोरी पे विशेष ध्यान देना है। लाइन डोरी जो है आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, तभी जाके आपका जो आपका ब्रिक वर्क है बढ़िया से होगा। ठीक है, इस तरह से आपको लेआउट कर लेना है, जहाँ भी आपको ब्रिक वर्क करना है सारा डायमेंशन दिया होता है। लेआउट, ब्रिक का लेआउट करना सबसे ईजी काम होता है। अगर स्ट्रक्चर का आप काम कराए हैं लेआउट करके, तो ब्रिक वर्क का लेआउट कराना एकदम ही आसान है। ठीक है, इसमें बस यही ध्यान देना होता है, जहाँ पे आकर डोर का ओपनिंग आता है वो स्लैब लेवल पे ही दे दिया जाता है, और विंडो का अगर ओपनिंग देना होता है तो सील लेवल पे देना होता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे
कोई भी ओपनिंग नहीं है, पूरा पैक है ये दीवार, केवल विंडो का ओपनिंग है। तो सील लेवल इसका 900 हाइट पे दिया है, तो ये ब्रिक वर्क जब 900 हाइट तक जाएगा तो उस समय हमको विंडो का ओपनिंग देना होगा। बस आपको विशेष ध्यान ओपनिंग का ही देना होता है ब्रिक वर्क में, और कुछ भी नहीं है। पूरी लाइन के पूरी लंबी दीवार है तो आप जोड़ दीजिए ऐसे ही, ठीक है, और ओपनिंग है तो ओपनिंग छोड़ दीजिए। आई थिंक आपको ये वीडियो देख के समझ में आया होगा लेआउट करने का प्रोसीजर क्या होता है, बाकी तो आप समझदार हैं, वीडियो देख के आप समझ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी टाइप का वीडियो लेके आएंगे आपके साथ, शेयर करेंगे साइट की वीडियो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।